तुम ये बोलो कि यू गाइस कुडेंट कट इट, भाई वीडियो डिलीट कर दे, दीज गाइस आर स्पिटिंग अ बंच ऑफ क्रैप। और न जाने ऐसे कितने ही हेट कमेंट्स हमें हमारे प्रीवियस वीडियो पे मिले। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। उस वीडियो में हमने कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात की थी सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो शायद सिविलियंस को नहीं पता, पर शायद हमारे और आपके बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, इसी वजह से ये हेट कमेंट्स आए हैं। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? ये वीडियो मैं उसी मिसकम्युनिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए बना रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो हेट वीडियो नहीं था सैनिक स्कूल के अगेंस्ट। जो सैनिक स्कूल के एलुमनीज हैं उन्हें शायद काफी ज्यादा बुरी लगी मेरी वीडियो, तो मैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वीडियो के थ्रू, और उन्हें बताना चाहता हूँ और प्रूफ देना चाहता हूँ। और इसका प्रूफ आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जहां पर मैंने प्रूफ दिया है कि क्यों प्रीवियस वीडियो जो था वो हेट वीडियो नहीं था। किनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं? मेरे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और स्पेशली सैनिक स्कूल की एलुमनाई ग्रुप के लिए बना रहा हूं मैं। सैनिक स्कूल के कुछ ऐसे छात्र जो यहां से पढ़ के पास आउट हुए हैं, उन्हें वो वीडियो काफी ट्रिगरिंग लगी। उसका रीजन बहुत नॉर्मल सा है, हमने जो टाइटल और थंबनेल बनाया था काफी क्रंची और मसालेदार था। मेरा जो एक्सप्रेशन है वीडियो के अंदर में वो भी काफी मसालेदार है, पर ट्रस्ट मी, आप जब शब्दों को सुनेंगे उसका कंटेंट देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमने सैनिक स्कूल के लिए हेट वीडियो नहीं बनाया था। इनफैक्ट हमने कई बार तारीफ की सैनिक स्कूल की उस वीडियो के अंदर में। तो कृपया करके थोड़ा सा इस बात को समझिए कि YouTube पे रीच बढ़ाने के लिए हमें थंबनेल और टाइटल मसालेदार डालना पड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सैनिक स्कूल की बुराई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, इसका रीजन ये है कि किसी एक कमेंट में ऐसी बात बोली गई थी कि शायद मैं सैनिक स्कूल में 10th क्लास में फेल हो गया होगा, इसलिए मुझे स्कूल से निकाल दिया गया होगा और इस वजह से मैं हेट वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पढ़ा हूं एंड आई वाज वन ऑफ द टॉपर देयर। मेरे क्लास 10th में 10 सीजीपीए यानी कि 95% आए थे एंड आई वाज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ टीचर्स। वहां पर टीचर्स का मैं फेवरेट हुआ करता था। हिंदी और फिजिक्स के टीचर से आप जाकर आज भी मेरे बारे में पूछेंगे तो आपको तारीफ ही सुनने को मिलेगा। ऑल्सो आई एम एन एनआईटीएन, मैंने जेई क्वालिफाई किया हुआ है। इस वीडियो को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मेरा जो एडोप्टेशन था वो सैनिक स्कूल में कैसा था, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में एडोप्टेशन की बात की थी कि एडोप्टेशन काफी टफ है सैनिक स्कूल में। मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम रहा है बचपन से, इसलिए मुझे रनिंग में काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था सैनिक स्कूल का फिजिकल वाला पार्ट। बट उसके अलावा हर एक पार्ट मैंने एंजॉय किया है, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स वगैरह हो, मैंने काफी एंजॉय किया है। इनफैक्ट मैं वहां का डिबेट चैंपियन हुआ करता था। मैं आज जो भी कर रहा हूं, आज जिस भी लेवल पे हूं, वो सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा। तो आई लव सैनिक स्कूल। मेरा एडॉप्टेशन सिर्फ रनिंग में थोड़ा टफ था, ओवरऑल बहुत बढ़िया था। पर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो एवरेज नहीं होंगे, जो बिलो होंगे मेंटली और फिजिकली? आज के टाइम पे फिजिकली कितने सारे बच्चे वीक पैदा हो रहे हैं, आपको भी पता होगा अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे। मेरा एक स्टूडेंट है क्लास 5th में है, उसने मुझे कॉल किया और उसने बोला कि सर मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है क्लास 5th में। यानी कि आज के बच्चे काफी सेंसिटिव हैं, इसलिए एडॉप्टेशन और टफ हो सकता है, तो वीडियो इसलिए बनाई गई थी वो। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक है, ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको मिलेगा एक्चुअल प्रूफ कि वो वीडियो हेट वीडियो क्यों नहीं थी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सिंपल सा है। देखिए, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बचपन में मेरा वहां पर एडमिशन कराया। सैनिक स्कूल में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिला और बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, पर 10th तक आते आते आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे साइंटिस्ट ही बनना है और मुझे साइंस से रिलेटेड ही आगे बढ़ के देश की सेवा करनी है। इसीलिए अगर आप मेरा YouTube का सबसे पहला कंटेंट भी देखेंगे 3 साल पहले का, तो मैंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर पूरी की पूरी एक सीरीज बना रखी है, जहां मैंने बिना मैथ्स यूज किए पूरा क्वांटम फिजिक्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लेकर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी समझा रखा है। तो मैं सैनिक स्कूल से क्यों निकला था? क्योंकि मुझे साइंटिस्ट बनना था, मुझे आर्मी में नहीं जाना था। आर्मी जाना बहुत इज्जत की बात है, बहुत अच्छी चीज है, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे को ब्रीदिंग इश्यूज थे, मैं फिजिकली कभी भी फिट नहीं हो पाता। तो मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल सिंपल सा आपसे भी है और सैनिक स्कूल सोसाइटी से भी है, तो कृपया करके इस वीडियो को वहां तक भी पहुंचा दें अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई है तो। जैसे कि न्यू सैनिक स्कूल में 12th तक पढ़ना कंपलसरी नहीं है, क्या सैनिक स्कूल सोसाइटी ओल्ड सैनिक स्कूल में से भी जो कंपलसरी पढ़ना है 12th तक उसको हटा सकती है? अगर वो हटा दे तो स्टूडेंट्स के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि सैनिक स्कूल्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि कई सारी सीट वेस्ट हो जाएगी,
बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जब मैं निकला था मुझे 2 लाख रुपीज से ज्यादा पैसा रिटर्न करना पड़ा था, जो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बर्डन वाली बात हो गई थी। तो इसको हटाने के लिए मैं सैनिक स्कूल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड नाउ हियर इज द प्रूफ कि अभी आने वाला है, वेट करो, हियर इज द प्रूफ कि वो वीडियो हेट वीडियो क्यों नहीं था। एडोमेंशन हमारा चैनल है, यहां पर देखिए, यहां पर मैं मानता हूं कि इस पूरे में आपको थंबनेल दिखेगा काफी ट्रिगरिंग और आपको टाइटल काफी ट्रिगरिंग दिखेगा। सैनिक स्कूल पढ़ेगा महंगा टाइटल है और थंबनेल है सैनिक स्कूल जाओगे क्वेश्चन मार्क पछताओगे, इस वजह से आपको लगा होगा कि वीडियो हेट वीडियो है। पर इस वीडियो का अब मैं कॉन्टेंट आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, पूरी वीडियो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि सैनिक स्कूल में जितने भी टीचर और प्रिंसिपल होते हैं मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर ये एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स अगर आपके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो उनके लिए कितना अच्छा हो सकता है। प्लस वहां पर आपको आर्मी बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी, डिसिप्लिन पूरे इंडिया का जितने भी स्कूल है आपको बेस्ट डिसिप्लिन आपको सैनिक स्कूल में सिखाया जाएगा। ए टू जेड फिजिकल एक्टिविटीज है, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो उसकी टॉप मोस्ट प्रिपरेशन है। डिसिप्लिन बेस्ट सैनिक स्कूल में आपको सिखाया जाएगा, पूरे के पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट, इसी वीडियो में कही गई बात। ए टू जेड फिजिकल ट्रेनिंग स्पोर्ट्स वगैरह सब कराया जाएगा सैनिक स्कूल में, इसी वीडियो में कही गई बात। और अगर मैं बीच बीच एक क्लिप भी दिखाऊंगा तो मैंने खुद इस चीज को मेंशन किया है कि सैनिक स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। तो प्लीज आप लोगों को जो भी बुरा लग रहा है हमारे वीडियो के बारे में उसके लिए आप बुरा ना माने, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन है, हेट वीडियो नहीं है, इनफैक्ट लव वीडियो है। हम खुद अपने बच्चों को सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कराते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को हम सैनिक स्कूल भेजते हैं। मैं आपको बता दूं 600 से ज्यादा बच्चों को हमने पिछले 3 साल में बच्चों को पढ़ाया है सैनिक स्कूल के लिए, उसमें से 97% बच्चों का क्वालिफिकेशन हुआ है, प्लस 60+ बच्चे अभी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो वी लव सैनिक स्कूल, एंड दिस वॉज द वीडियो टू क्लैरिफाई दैट पुराना वीडियो हेट वीडियो नहीं था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।